नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। आपका स्वागत है बिहारी न्यूज़ में। इस वक्त मैं खड़ी हूँ गांधी मैदान में, जहाँ पर पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, ये पुस्तक मेला जो है, ये 25वां पुस्तक मेला है। अभी थोड़ी देर पहले इसका उद्घाटन किया गया है और इस पुस्तक मेला का थीम है जल जीवन और पेड़। और सबसे खास बात यह है कि इसके उद्घाटन में भी जल जीवन और पेड़ थीम के हिसाब से किया गया है। एक गमले में पानी डाल करके इस पूरे मेले का उद्घाटन किया गया है। अब आइए हम जानते हैं कि यहाँ पुस्तक मेला के अंदर क्या क्या है। तो आपको बता दें कि 110 प्रकाशन जो है इस बार पुस्तक मेला के अंदर है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पहला है वाणी प्रकाशन, दूसरा है अरिहंत प्रकाशन, तीसरा है प्रभात प्रकाशन, चौथा है उपकार प्रकाशन और ऐसे कई सारे प्रकाशन जो है आपको देखने को मिल जाएंगे इस पुस्तक मेला में। इस वक्त हम खड़े हैं ICSE और CBSE बुक्स के स्टॉल में। आइए हम बात करते हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति है उनसे। आपका नाम? संजय यादव। यहाँ पर किस तरीके की किताबें हैं मैडम? यहाँ पर हमारी बेसिकली CBSE और ICSE NCERT की जिस सपोर्टिंग बुक्स होती है वो है हमारे पास है। जैसे मेन कोर्स बुक नहीं है, सपोर्टिंग जो क्वेश्चन बैंक्स होते हैं वो सारे बुक्स हैं। हाँ, सभी कोर्स बुक हमारे। कौन से क्लास के बच्चों के लिए? ये क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक है। क्लास 12 तक सारी बुक्स अवेलेबल है, सारे सब्जेक्ट्स में? सारे सब्जेक्ट्स में। वर्क बुक है, 1 to 5 वर्क बुक आती है, उसके बाद क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक क्वेश्चन बैंक्स है, सैंपल पेपर्स है, ये सारी किताबें यहाँ पे मौजूद है। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर क्लास 1 से लेकर 12 तक CBSE से लेकर ICSE के बच्चों के लिए सारी किताबें मौजूद हैं, जो कि क्वेश्चन बैंक के रूप में यहाँ पर है। अब आइए चलते हैं हम दूसरे स्टॉल में, देखते हैं वहाँ पर क्या खास है। इस वक्त हम आए हैं PM पब्लिकेशंस में, जहाँ पर धार्मिक से लेकर के बच्चों तक सारी किताबें मौजूद है। जैसे पहला यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर धार्मिक किताबें हैं, फिर वहाँ बच्चों की किताबें हैं, उसके बाद फिर नॉवेल्स हैं, हिस्टोरिकल किताबें हैं, यहाँ पर इंसाइक्लोपीडिया टाइप की भी किताबें हैं, रैपिड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए भी किताबें मौजूद हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पुराने हिस्ट्री से जुड़े बहुत सारी किताबें मौजूद हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ लोगों से, जानेंगे कि वो स्टॉल से कौन सा किताब खरीदना चाहेंगे। किताब आप खरीदने आए हैं? साइंस की बुक खरीदना है। कोई कॉमिक बुक, कोई भी एंटरटेनमेंट बुक नहीं, सीधे साइंस बुक। काफ़ी पढ़ाकू बच्चे हैं यहाँ पर हमारे साथ। अब हम बात करेंगे दूसरे बच्चे से, यहाँ पर आप क्या खरीदने आए हैं? हम यहाँ साइंस और मैथ्स लेने आए हैं। साइंस और मैथ्स लेने आए हैं, देश उन्नति पर है। कोई कॉमिक बुक कुछ नहीं? नहीं, इतना पढ़ने का समय भी नहीं रहता, मतलब ये सब कॉमिक्स पढ़ने का समय नहीं, किताबें पढ़ने का समय नहीं होता। आप कौन से स्कूल से? नवोदय विद्यालय से। कौन सी क्लास में आप? 9th स्टैंडर्ड में है। अच्छी बात है। फिर और क्या क्या चीज़ अच्छी लगी आपको यहाँ पे? यहाँ पर कुछ किताबें अभी तो देखनी स्टार्ट ही की हैं। देखना स्टार्ट ही हुआ है। कैसा लग रहा है आपको ये पुस्तक मेला? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पुस्तक मेले। हम लोगों के यहाँ के बुक्स बहुत पसंद आती है, पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं यहाँ के बुक्स को, हर तरीके की चीज़ें सिखाती हैं यहाँ के बुक्स, बहुत अच्छा लगता है। हम तो हमेशा आते हैं यहाँ पर, अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर आके। और यहाँ पर बहुत सारा कॉम्पिटिटिव का भी है पढ़ने को, जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत वैल्यूएबल होता है। और भी है बहुत कुछ। किस तरीके के बुक्स आप प्रेफर करती हैं? नॉवेल्स हो गए या फिर इंफॉर्मेशनल हो गए, कैसे बुक्स आप प्रेफर करती हैं? हर टाइप की बुक्स पसंद करते हैं, एंटरटेनमेंट भी पसंद करते हैं, लाइक कॉमिक बुक्स, बहुत कुछ होता है। पंचतंत्र अभी देख के आए, बचपन की यादें ताज़ा हो गई हमारी। यहाँ पर शॉपिंग किस चीज़ की करेंगे आप? शॉपिंग हम लोग अरिहंत का करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग ग्रेजुएट हो गए हैं, तो अभी हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर होना है। और इस बार क्या खास है पुस्तक मेला में? इस बार तो अभी बस स्टार्ट हुआ है, अभी देखते हैं और फिर क्या। डेकोरेशन भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो थैंक यू। ओके, थैंक यू। अब हम खड़े हैं
पुस्तक मेला के उस कॉर्नर पे जहाँ पर आपको इंग्लिश नॉवेल्स काफ़ी सस्ते रेट्स में मिल जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नॉवेल्स, एक नॉवल 50 रुपये का है, 3 नॉवल 100 रुपये का है और 7 नॉवल सिर्फ 200 रुपये में है। इससे और सस्ता इंग्लिश नॉवल कहाँ मिलेगा? जो भी नॉवल लवर्स हैं वो इस काउंटर पर ज़रूर आए, 7 नॉवल सिर्फ 200 रुपये में ज़रूर लेकर जाएँ। अब आइए हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ लोगों से, जानते हैं कि इस सस्ते नॉवेल्स पर उनका क्या कहना है। नॉवेल लेना है? आप इंग्लिश नॉवेल रीडर हैं? नहीं, कभी कभार पढ़ते। कभी कभार पढ़ते तो आप यहाँ पर क्यों आए, इंग्लिश नॉवेल लेने या फिर ये जो यहाँ पे ऑफर चल रहा है 200 में 7, 300 रुपए में, इस वजह से? नहीं नहीं, वो नॉवेल ही सोच रहे थे कि नॉवेल पढ़ लेते हैं, अभी क्या है इसीलिए आ गए। तो प्राइस फीजिबल उस वजह से नहीं आया, बस नॉवेल पढ़ना था इसलिए। अच्छा लग जाएगा हम खरीद लेंगे, जो अच्छा लग जाएगा खरीद लेंगे। अच्छा ठीक है, आइए हम दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं यहाँ पर। हेलो सर, आपका नाम क्या है? गौरव। आप यहाँ पर क्या लेने आए हैं? बुक्स लेने आए हैं। किस तरीके की बुक्स लेंगे आप यहाँ? जो मेरी फेवरेट्स हैं बस, ढूंढ रहा हूँ मैं, मिली नहीं अभी तक। नॉवेल में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, लव स्टोरीज होती हैं, कुछ इन्फॉर्मेटिव होती हैं, कौन सी नॉवेल आप पढ़ना प्रेफर करते हैं? एडवेंचर्स पसंद करते हैं। अच्छा, एडवेंचरस नॉवेल्स आप ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जैसा कि हमें लगता है कि शायद ये जो स्टॉल है ये सबसे सस्ता स्टॉल है पूरे पुस्तक मेला में, तो जो नॉवेल रीडर्स हैं जो कि सस्ते में नॉवेल पढ़ना भी चाहते हैं लेकिन ख़रीदना भी नहीं चाहते, उनके लिए ये स्टॉल जो है ये बहुत ही अच्छा है। तो आप इस स्टॉल पर आएँ और सस्ते में, बहुत ही सस्ते में किताबें लेकर के जाएँ। तो इस पुस्तक मेला में एक कॉर्नर पर यहाँ पे फूड स्टॉल भी है, जहाँ पर जो भी घूमने आए हैं वो यहाँ पर अलग अलग खाने का मज़ा उठा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डोसा मिल रहा है, यहाँ पर चाट कॉर्नर है, यहाँ पर लिट्टी चोखा मिल रहा है, पाव भाजी भी है और चाइनीज़ स्टोर भी है। जो चाइनीज़ लवर्स हैं वो यहाँ पर आकर के चाइनीज़ फूड स्टॉल पर जाके खाना खा सकते हैं। आइसक्रीम भी है, देसी फूड कॉर्नर भी है, यहाँ पर चाट भी मिल रहा है अलग अलग तरह का, भूंजा भूंजा भी बना के, वेज पकौड़ा, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, ब्रेड पकौड़ा, यहाँ पर सब कुछ मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं इस बार के पुस्तक मेला में, आप आइए घूमिए और खाने का भी मज़ा उठाइए साथ ही साथ। तो हमने दिखाया आपको यहाँ पर क्या क्या मौजूद है इस बार के पटना पुस्तक मेला में। अलग अलग तरीके की किताबें मौजूद हैं, जहाँ पर बच्चों के लिए किताबें हैं, जहाँ पर युवा वर्ग के लिए भी किताबें हैं, जहाँ पर बुज़ुर्गों के लिए भी किताबें हैं। साथ ही साथ यहाँ पर फूड स्टॉल भी मौजूद है, जहाँ पर यहाँ पर घूमने आए लोग खाना खा सकते हैं आसानी से। एक बार आए ज़रूर पुस्तक मेला घूमने के लिए। धन्यवाद।